नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र का हाल बेहाल है कोरोना के वजह से, लेकिन अभी हम बात करेंगे अपने नागपुर की, जहां पे सीताबर्डी इलाके में जो बेवजह घूमने वाले लोग हैं, जो रीजन से भी निकल रहे हैं, कोई ना कोई कारण से भी निकल रहे हैं, उनका भी एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे अभी हम हैं मेन मार्केट में बर्डी के, जहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं और लोगों के वहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, सबको रुका के यहाँ पे ये एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुलिस भी अपने तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही है ये टेस्ट के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो भी टू व्हीलर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है और एक एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। चलिए आइए जानते हैं कि मैडम से उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको क्या फेस करना पड़ता है, उनसे जानने की अपन कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। विश्वास भनारकर। आपको क्यों रोका गया, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं एक्चुअली ऑफिस से आ रहा था, अभी मेरा ऑफिस जो छूटा है तो मैं ऑफिस से घर जा रहा था। तो टेस्ट के लिए एक्चुअली मैंने टेस्ट नहीं कराया था, तो मैं बोला अच्छी एक चीज़ है कि टेस्ट हो जाता है यहाँ पे, तो कर लेते हैं, अपने को तुरंत पता चल जाता है। तो आपके लिए कुछ पे वगैरह करना? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने देर में आ रही है रिपोर्ट? वो 5 मिनट में दे रहे हैं रिपोर्ट बस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि DCP मैडम विनीता साहू वो राउंड के लिए आ गए हैं, वो भी चेक कर रहे हैं अपने हिसाब से कि सब ठीक चल रहा है क्या। अभी आपने देखा कि हमने वो मैडम से बात किए, वो अभी 2 बजे से आए हैं, उन्होंने अभी तक 58 लोगों के एंटीजन टेस्ट जो है वो करा चुके हैं, उसमें से एक ही पॉजिटिव निकला है, बाकी सब नेगेटिव निकले हैं। तो अभी दोपहर 2 बजे से ये चालू था, लोगों को यहाँ पे रुका के यहाँ पे उनका एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा था, लेकिन अभी वो अभी बंद करने वाले हैं। 5 बजे तक का ही इसका टाइम है, जो कि 2 से 5 बजे तक की जितने भी लोग आते जाएंगे उनका एंटीजन टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप भी घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हो सके तो कोरोना टेस्ट करा लीजिए और अपने दिल से जो है वो खौफ निकाल लीजिए कोरोना का, क्योंकि इसी से देश आगे बढ़ेगा और इससे ही ये कोरोना जैसी बीमारी से अपन निजात पा सकेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।